आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। कल से आपके व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी सोशल मीडिया हैंडल हैं, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सभी बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल से आपके जो सभी सोशल मीडिया हैंडल है वो बंद होंगे। आखिर क्यों बंद होंगे, सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको डेली इसी प्रकार की अपडेट है वो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो देश में कल से बंद होंगे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप। 26 नए नियम लागू होने थे, जिन नियमों को दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट थी कि 25 मई तक नियमों को लागू किया जाएगा, वरना जो आपके जो इंस्टाग्राम हैंडल हैं उन सबको यहाँ पर हटा दिया जाएगा इंडिया में से, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर 26 नियम बनाए गए थे लेकिन इन नियमों को अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। देश में काम कर रही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। अब सरकार की ओर से दी गई समय सीमा पूरी हो चुकी है। पहले जो समय सीमा थी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वो फरवरी तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आप देख सकते हैं दोस्तों, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए साल 25 फरवरी तक गाइडलाइन है वो जारी की गई थी। इसके बाद 3 महीने का समय और बढ़ा दिया गया और डेडलाइन मंगलवार यानी 25 मई को ख़त्म हो रही है, यानी कि आज 12 बजे ये डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि सरकार की ओर से दी गई समय सीमा खत्म हो रही है और अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक किसी भी ओर से नहीं बताया गया कि गाइडलाइन को लागू किया गया है या फिर नहीं। आपको बता दें कि 50 लाख या इससे ऊपर यूजर बेस वाले मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नियम लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया था। इस तरह के मिले जवाब हैं, इसमें 26 नियम बनाए गए थे दोस्तों और 26 नियमों को लागू करना था। कौन कौन से नियम है चलिए एक बार वो नियम देख लेते हैं। तो ये दी आपकी गाइडलाइन दे रखी है दोस्तों सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत में क्लायंस अधिकारी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था। इसी के साथ ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएं कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है, यानी कि शिकायत दर्ज करवाने के लिए इसके क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ ही उन सभी कार्य क्षेत्र भारत में होना जरूरी है, यानी इन सभी का जो कार्य क्षेत्र है वो भारत के अंदर होना जरूरी है। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दें और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएं कि उसकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है। तो ये कुछ नियम बनाए गए थे दोस्तों। इसी के साथ शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को उठाना आदि के नियम बनाने को लेकर टोटल आपके 26 नियम हैं वो सरकार के द्वारा दिए गए थे, लेकिन 26 नियमों को अभी तक पालना नहीं की गई है। तो इसको देखते हुए मैं आपको बता दूं, कम से कम 20 करोड़ जो है लोगों को यहाँ पर कल दोस्तों यहाँ पर नुकसान है वो हो सकता है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम जैसे ट्विटर जैसे बड़े अकाउंट जिनको आप मंत्री, बॉलीवुड के स्टार जो यूज करते हैं, उन सबको यहाँ पर कल से दोस्तों बंद कर दिया जाएगा और कल आज रात 12 बजे से ये दोस्तों पूरी तरीके से भारत में बैन हो जाएंगे। अगर 12 बजे से पहले अगर ये सोशल मीडिया हैंडल हैं जो कोई ना कोई अपनी तरफ से जवाब दे देते हैं सरकार को तो ये दोस्तों बैन नहीं होंगे, वरना आज रात 12 बजे इनको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार इनकी कमेटी हटा लेगी तो इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है। ऐसे में सरकार को ये फैसला लिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि केवल कू नाम की कंपनी को छोड़कर अन्य किसी ने इनमें से किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है। नए नियम 26 मई 2021 से लागू होने जा रहे थे लेकिन कोई भी नियम लागू नहीं किया गया। टोटल 26 गाइडलाइन है वो सरकार के द्वारा दी गई थी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को, लेकिन उन्होंने पालन नहीं किया है। तो अब आपके दोस्तों इनको यहाँ पर इंडिया में बैन हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, सभी जगह इस वीडियो को वायरल कर दें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच पाए, सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए कि कल से दोस्तों ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैं वो पूरी तरीके से भारत में बंद होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये सरकार का सुझाव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।